मराठा समुदाय को गुमराह किया। जब तक आरक्षण 50% से ऊपर नहीं जाता, उन्हें आरक्षण नहीं मिल सकता। कानून को बदलने की जरूरत है। शासकों ने अपने स्वार्थ के लिए गलत निर्णय लेकर मराठा समाज को गुमराह किया है। चूंकि आज आरक्षण नहीं दिया जा सकता, इसलिए प्रदर्शनकारी इस आंदोलन को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार को मराठा समुदाय से माफी मांगनी चाहिए और निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। ऐसा कहते हुए वडेट्टीवार ने बोले, हमारी मांग है कि गृह मंत्री इस्तीफा दे और दोषियों पर कार्यवाही करे। और हे आंदोलन जे झाले किंवा कालचा लाठीचार्ज हा सरकारच्या चुकीच्या निर्णयाचा फटका असं म्हणायला हरकत नाही। मुळात दोन गोष्टी लक्षात घेतले पाहिजे। एक तर 1.5 वर्षापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आला आणि त्यानंतर या वर्ष 1.5 वर्षामध्ये सरकारने त्या आरक्षणाच्या बाबत कुठल्याही हालचाली केल्या नाही आणि मराठा समाजावर स्वतःच्या हक्कासाठी शांततेच्या मार्गाने हे आंदोलन होत असताना तो लाठीचार्ज सारखा दुर्दैवी घटना त्या ठिकाणी घडली। एक तर यापूर्वी सुद्धा 5 लाखाचे 10 लाखाचे मोर्चे निघाले, मराठा समाज अगदी शांतपणे हा सर्व मोर्चा शांततेच्या मार्गाने केला गेला, परंतु काल जी घटना झाली ती घटना ही दर्शवते की या सरकारला आता मराठा आरक्षण देण्याची नियत नाही आणि मराठा आरक्षण देऊ शकत नाही। यांनी निवडणुकीमध्ये फायदा उपटण्यासाठी केलेला तो एक फार्स होता आणि त्यामुळंच त्यांना या सगळ्या परिस्थितीची जाणीव झाल्यामुळे त्यांना हे मराठा समाजावर लाठी उगारण्याची वेळ आली आणि त्यामध्ये एक महिला अत्यंत गंभीर अशी जखमी झाली। मी सरकारला आमची मागणी एवढीच आहे, तुम्ही जे दिशाभूल केली, कारण आम्ही सुरुवातीपासून म्हणत होतो की 50%च्या वर आरक्षण गेल्याशिवाय मराठा समाजाला आरक्षण मिळू शकत नाही आणि त्यामध्ये कायद्यात बदल करण्याची आवश्यकता आहे, परंतु स्वस्वार्थासाठी मात्र सत्ताधाऱ्यांनी त्यावेळच्या आणि आत्ताच्या केवळ चुकीचा निर्णय घेतला आणि मराठा समाजाची दिशाभूल केली। आज त्याचाच प्रत्यय या ठिकाणी येतो आहे आणि आरक्षण देऊ शकत नसल्यामुळे हे आंदोलन चिरडण्याचा, आंदोलकांना हुसकावण्याचा प्रयत्न होतो आहे। पण मला वाटतं की आता सरकारची या सगळ्या घटनेची निपक्ष चौकशी करावी, मराठा समाजाची माफी मागावी आणि विशेष करून गृह खात्याचंही अपयश आहे म्हणून गृहमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा ही आमची मागणी आहे आणि दोषीवर कारवाई व्हावी आणि स्पष्ट सांगावं की तुम्ही आरक्षण देणार असाल तर कधी देणार आहात आणि नसेल तर त्याला दुसरा उपाय काय हे सुद्धा स्पष्टपणे मराठा समाजाच्या पुढे मानलं गेलं पाहिजे, ही अशी आमची भूमिका आहे। सर हिंदी में बताइए, कल जालना में लाठीचार्ज हुआ है, काफी नुकसान किया है, बसें तोड़ी गई है, जलाई गई है, क्या कहोगे? नहीं, निश्चित रूप से कल की घटना सरकार पुरस्कृत है। जब इनके ये मराठा समाज को आरक्षण दे नहीं सकते तो ये आंदोलन को खत्म करने की प्रयास सरकार ने कल के लाठीचार्ज से किया है। हम पहले से ही कह रहे थे कि आप लोग 50% के ऊपर आरक्षण की मर्यादा बढ़ाओ, तो इन्होंने वो उसको उसके बारे में कानून में कुछ प्रावधान करने की आवश्यकता थी, उन्होंने किया नहीं। और ये 1.5 साल से सुप्रीम कोर्ट के निकाल के बाद, निर्णय के बाद 1.5 साल ये सरकार ने कुछ भी हालचाल की नहीं। और पिछले भी बार में उन्होंने जो आरक्षण दिया था वो सर्वोच्च न्यायालय में वो निर्णय रद्द हुआ था। ये सब बातें मराठा समाज को आरक्षण नहीं देने की नियत जो सरकार की है ये स्पष्ट दिखती है और इसी वजह से हम दे नहीं सकते तो आंदोलन जो हो रहा था वहाँ पे उनको समर्थन रोज बढ़ रहा था। अब ये आंदोलन बड़ा न हो जाए और उसको तुरंत वहीं के वहीं खत्म कर दिया जाए, ये भी भूमिका शासन की हो सकती है। और इसी को नज़र में रखते हुए उन्होंने ये लाठीचार्ज का आदेश दिया
ये लाठीचार्ज में एक महिला बहुत गंभीर जख्मी हुई और आज करनी और कतनी का अंतर इस समाज को देखने को मिल रहा है। मैं यही कहूँगा कि इसकी जांच निष्पक्ष हो और इसके लिए गृह होम डिपार्टमेंट इसके लिए जिम्मेदार है। होम डिपार्टमेंट और गृह मंत्री ने ये राजीनामा देना चाहिए। नहीं नहीं, सरकार को जब ऐसे संकट सरकार ज्यादा गरज पड़ती तो सर्वानी एकत्र आम्मी विरोधक संगित का लाठीचार्ज करा मनु राजण कसल आल ये शांतते मार्गा जे आंदोलन होता लाठीचार्ज कराया गरज का होती।